आप सभी को जय मसीह की। मैं श्रीमती अरुणा पीटर बैतूल मध्य प्रदेश से आप सभी को का स्वागत करती हूँ। और इस सांझ की बेला में एक बार से फिर हम प्रभु के चरणों में इकट्ठे हैं और स्तुति आराधना और उसकी महिमा करने पा रहे हैं। तो आप सभी को पुनः जय मसीह की। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करके फिर वचनों में जाएंगे। धन्यवाद 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 स्तुति तारीफ और महिमा पिता तेरी। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हे त्रियक परमेश्वर। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पुत्र, धन्यवाद पवित्र आत्मा पिता, कि तूने भोर के प्रकाश से लेकर सांझ तक हम सबको भला चंगा रखा है। तेरा अनुग्रह तेरी आशीष से हम सब माला माल है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्यारे यीशु। पिता परमेश्वर, तूने आज इतना सुंदर हम समय हम सब वीक के जीवनों में दिया कि तेरे भजनालय में जाके पिता आज हमने पेंतेकोस्त का पर्व मनाया। हाँ पिता, और पिता हमने जाना कि आज तूने पवित्र आत्मा की सामर्थ हर एक को दी। और पिता परमेश्वर, केवल उन 3000 को ही नहीं, परंतु संसार में तूने एक सहायक भेजा प्यारे यीशु। और ये सहायक पिता पवित्र आत्मा पिता हम में से हर एक के संग और साथ है। हाँ प्रभु जी, इसके लिए तेरा लाख लाख धन्यवाद 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 प्यारे यीशु। पिता परमेश्वर, होने देना कि हर एक प्रचारक प्रचारिकाएं तेरे दास दासी जितनी भी तेरी सेवा कर रहे हैं पिता, जो तेरा सुसमाचार प्रचार सुनाते हैं पिता, बहुत विषम परिस्थितियों में सुना रहे हैं प्रभु जी, उन सब पे तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ उंडेलना। हाँ प्रभु जी, ताकि हर एक घुटना हर एक जीव प्रभु जी तेरे स्वर्गीय राज में आने पाए जो तू चाहता है। हाँ प्रभु जी, विनती और प्रार्थना है पिता मेरे, है पवित्र आत्मा पिता मेरे भी संग और साथ हो। मेरे मुंह की चौकसी करना, मेरे मस्तिष्क को, मेरी जीभ को, और प्रभु जी मेरे मन को अपने नियंत्रण में रखना। और वचन, जो वचन तू कहना चाहता है प्रभु जी तेरे द्वारा है पिता, मैं मेरी जीभ से मेरे मुंह से वही शब्द निकले ताकि हर एक की आत्मा की उन्नति का कारण हो। हाँ पिता, मेरे मन को, मेरी जीभ को और मेरे मस्तिष्क को अपने नियंत्रण में रखना। धन्यवाद पिता, धन्यवाद तूने मेरी प्रार्थनाओं को सुना। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद। सारा आदर इज्जत महिमा तेरे चरणों में। ये छोटी सी विनती तेरे इकलौते बेटे, मेरे उद्धार के कर्ता, जीवन के दाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में होके मांगती हूँ। दया करके स्वर्गीय राज में छोटी सी दुआ ग्रहण कर। आमीन आमीन और आमीन। बहनों भाइयों, आज मैंने जो विषय लिया है वो है अभिषेक, एनॉइंटिंग। अब प्रश्न ये है कि अभिषेक क्या है, है ना? इसका अर्थ हम पहले देखते हैं कि जो अभिषेक है, एनॉइंटिंग है, इसका अर्थ क्या है। तो अभिषेक का अर्थ होता है नियुक्त करना या चुनना। पुराने नियम में जब हम पुराने नियम पढ़ते हैं तो पुराने नियम में परमेश्वर पिता ने कुछ लोगों को चुना, है ना, विभिन्न कामों के लिए चुना। और चूंकि परमेश्वर पिता तो खुद आमने सामने होकर इसराइलियों से बात नहीं कर सकता था, तो उसने ऐसे कुछ लोगों को, पवित्र लोगों को जो उसका भय मानते थे, जो उसकी आज्ञा और विधियों पर चलते थे, उनका चुनाव किया और उनका अभिषेक किया। और वो परमेश्वर की सेवा करते थे और वो साथ ही साथ जो परमेश्वर के द्वारा उन्हें आज्ञा मिलती थी, जो नियम प्राप्त होते थे, उन नियमों को, उन आज्ञाओं को वो जो अगुवे थे, जो जिनका चुनाव परमेश्वर के द्वारा होता था, वो इसराइलियों को सुनाया करते थे और उन विधियों को, उन नियमों को का कड़ाई से पालन करवाया करते थे, है ना? क्योंकि परमेश्वर ने इसराइली जो लोग थे, जो यहूदी लोग थे, वो उसकी निज प्रजा थी। हम ये बात जानते हैं, आज भी है। और वो इसराइलियों से विशेष प्रेम करता, विशेष उसके कि वो, क्योंकि वो उसकी निज प्रजा है, है ना? अनादि, हम देखते हैं अनादि काल से, ठीक है ना, परमेश्वर की जो प्रिय प्रजा है वो इसराइली है। तो परमेश्वर ने क्या करा कि अपनी जो बातें हैं, जो जो उसकी इच्छा है, जो उसके नियम है, जो उसकी विधियां हैं, जो उसके आदेश है, उन सबको वो उस चुने हुए व्यक्ति के माध्यम से
सारे इसराइलियों पे प्रकट करता था। तो जैसे हम देखते हैं मूसा, यहोशू, दाऊद, हारून, है ना, इन सबको परमेश्वर ने क्या करा, चुना और चुन करके इनको जो अपने नियम थे, आज्ञाएं थी, उनको वो इन लोगों को देता था, इन चुने हुओं को, और इस प्रकार से वो अपनी प्रजा पे एक प्रकार से शासन भी करता था, है ना, परमेश्वर पिता सेनाओं का यहोवा। और वो ये चाहता था, जैसे हम देखते हैं कि यशाया 61:1 अगर हम पवित्र शास्त्र में देखें कि यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा जो परमेश्वर ने अपनी इच्छा प्रकट की, 61:1 उद्धार का संदेश, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। यहाँ पे यशाया भविष्यवक्ता 61:1 में ये बात बोल रहा है कि मुझे जो क्या किया है परमेश्वर यहोवा ने, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यहोवा की आत्मा, नए नियम में हम उसको पवित्र आत्मा के रूप में देखेंगे और यहाँ पे पुराने नियम में प्रभु यहोवा की आत्मा, प्रभु यहोवा की आत्मा मतलब यहोवा स्वयं, है ना, यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। ये कौन बोल रहा है? यशाया भविष्यवक्ता बोल रहा है, ठीक है ना, कि मेरा उसका भी अभिषेक किया परमेश्वर पिता ने, क्यों किया, क्योंकि वो सुसमाचार प्रचार सुनाने के लिए, किसका सुसमाचार प्रचार, प्रभु यहोवा का सुसमाचार प्रचार, और खेदित मन के लोगों को शांति दू, जो भी यहोवा की तरफ से, जो भी यहोवा की आत्मा उसको जो भी वचन सुना देती थी तो वो इसराइलियों को बताता था और जितने भी परेशान थे, दुखी थे और रोग शैया पे थे, बीमार थे या बहुत ज्यादा तकलीफ में थे, जिनके मन उदास थे, उन सब के मनों की शांति इन वचनों के द्वारा जो यशाया भविष्यवक्ता को यहोवा की आत्मा के द्वारा दिए जाते थे वो उनको सुनाता था। और बंदियों के लिए स्वतंत्रता का, बंदी मतलब जो आत्मिक रूप से अंधेरे में है, जिनकी आत्माएं बंदी है, है ना, दुष्ट आत्माओं से, शैतान के शैतान के द्वारा बंदी है जिनकी आत्माएं, उनको स्वतंत्र करने के लिए और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। और कैदियों के लिए, है ना, जितनी भी जो भी लोग थे, इसराइली लोग थे, जो जिनकी आत्माएं क्या थी, कैद मतलब बहुत सारे पापों में थी और दुष्ट आत्माओं के उसमें थी, वो उन सब को, है ना, उन सब को काय का सुसमाचार सुनाया उसने, छुटकारे का प्रचार करूं, उनके छुटकारे का प्रचार करूं। तो यहां पर हम सबसे पहली बार देखते हैं कि प्रभु यहोवा ने यशाया भविष्यवक्ता का अभिषेक किया ताकि उसके द्वारा जो लोग हैं वो क्या हो, आनंदित हो, और जो सुसमाचार वो सुनाता था उसको कौन किसके द्वारा मिलता था, उसको परमेश्वर पिता के द्वारा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो मूसा था, मूसा जब जो पूरे इसराइली थे वो मिस्र में थे और परमेश्वर ने मूसा को चुना, है ना, अगुवे के रूप में कि तुम फिरौन के पास जाओ और मेरी पूरी प्रजा को वहां से छुड़ा करके वापस इसराइल लेकर आओ। तो इस मूसा के साथ कौन था, परमेश्वर पिता था, सेनाओं का यहोवा था। और इस हम पूरा जो पढ़ते हैं पुराने नियम में और ये देखते हैं कि किस प्रकार से मूसा ने परमेश्वर की सहायता से, यहोवा की सहायता से पूरे मिस्र देश से इसराइलियों को निकाला था।
फिर हम देखते हैं यहोशू, मूसा के बाद यहोशू को भी परमेश्वर ने चुना है ना, और उसको अपनी विधियां आज्ञाएं सब बताई, और हारून को भी परमेश्वर ने अपना याजक होने के लिए चुना था। तो ये पुराने नियम में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने इन अगुओं के द्वारा अपनी विधियों, नियमों और आज्ञाओं आदि को देकर इसराइलियों को अपनी समीपता में रखा। परमेश्वर पिता उनसे बहुत प्रेम करता था, प्रेम करता है, आज भी करता है, और वो चाहता था कि पूरे इसराइली उसकी समीपता में रहे, है ना, उससे दूर ना रहे। और परमेश्वर ने जो महापवित्र है, जिसे मनुष्य देख ही नहीं सकता, अब परमेश्वर ने इन लोगों को क्यों चुना? क्योंकि परमेश्वर सामने नहीं आ सकता था, है ना, परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, परंतु परमेश्वर ने इन लोगों को इसलिए चुना कि वो उसकी निज प्रजा इसराइलियों को एकजुटता में रखे और परमेश्वर की समीपी में रखे। परमेश्वर के जो नियम है, आज्ञा है, विधियां हैं, उनको वो विधिवत बताए जो जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने इन अगुओं को दी है, और इसलिए तो परमेश्वर ने इनका अभिषेक किया, इन अगुओं का। पर परमेश्वर पिता ये चाहता था कि उसकी प्रजा, उसके निज लोग नाश न हो, इसलिए उसने समय समय पर ऐसे व्यक्तियों को चुना जो उसकी दृष्टि में खरे थे, है ना, और जो यहोवा का भय मानते थे। अब हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो देखना है बहनों भाइयों, वो हम मनुष्यों का देखना नहीं है। हम इसके लिए पढ़ेंगे पहला शामवेल, पहला शामवेल उसका 16वां अध्याय और 7वां पद। 7वें पद में ऐसा लिखा है, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। तो जो मूसा था, हारून था, दाऊद था, है ना, यहोशू था, ये जो लोग थे, ये कैसे थे, परमेश्वर का भय मानते थे और परमेश्वर की आज्ञाओं का विधिवत पालन करते थे और अपनी प्रजा जो इसराइली थे उनसे भी करवाया करते थे, और ये खरे मनुष्य थे, खरे थे ये। फिर हम देखते हैं कि अभी हमने क्या देखा, पूरा अभिषेक का अर्थ, अभिषेक का अर्थ जैसे मैंने आपको बताया, चुनना या नियुक्त करना। तो परमेश्वर पिता ने, सेनाओं के यहोवा ने समय समय पर अपने लोगों को जो उसका भय मानते थे, जो खरे थे, है ना, और उसकी दृष्टि में खरे थे, परमेश्वर की दृष्टि में, और जो उसका भय मानते थे और जो उसकी आज्ञा और विधियों पर चलते थे, ऐसे लोगों का चुनाव किया, ये हमने अभी देखा। ठीक है, परमेश्वर ने मूसा को, हारून को, यहोशू को या दाऊद राजा को क्यों चुना? क्योंकि वो इन लोगों से प्रेम भी करता था, साथ ही परमेश्वर का जो देखना, जैसे मैंने भी आपको बताया शामवेल 16 का साथ, कि परमेश्वर का देखना मनुष्य के देखने के समान नहीं है। परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर के का देखना, उसकी दृष्टि किस पर रहती है, परमेश्वर की दृष्टि मन पर रहती है ना, और वो क्या, उसने वो मन देखता है। इन लोगों का मन कैसा था, निष्पाप था, है ना, और ये बहुत सहज भोले लोग थे, और सबसे मेन बात ये थी बहनों भाइयों कि ये लोग परमेश्वर का भय मानते थे और ये खरे भी थे, है ना, सिधाई से चलते थे, इसलिए परमेश्वर ने इनको चुना। अब हम देखते हैं कि जो अभिषेक है ना, वो अभिषेक किस प्रकार से होना चाहिए, कैसे किया जाता था अभी पुराने नियम में, है ना, जिस व्यक्ति को परमेश्वर चुनता था उसका अभिषेक किस प्रकार से होता था, तो उसकी कुछ विधियां थी, अभिषेक की कुछ विधियां थी। पहला था तेल के द्वारा अभिषेक, और अब
जो अभी जिसका अभिषेक किया जाता था, होना रहता था, उसके सिर पर क्या किया जाता था, अभिषेक का तेल है ना उढ़ेला जाता था। और वो जो अभिषेक का जो तेल था वो जैतून का पवित्र तेल, जैतून का पवित्र तेल हुआ करता था। और इसको बनाने की भी विधि थी, इस तेल को भी बनाने की विधि थी, जो हमें मिलता है निर्गमन 30, निर्गमन 30 उसका 22 से 25, देखिए 22 से 25, यहां पे 5 चीजों को मिला करके जैतून के तेल में 4 चीजें और मिलाते थे और पांचवा जैतून का तेल। तो इन 4 चीजों को मिला करके जैतून के तेल को पवित्र किया जाता था। और फिर उस अभिषेक, जिसका अभिषेक परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ उस व्यक्ति का अभिषेक जिसका होना है, उसके सिर पे ये अभिषेक का तेल डाला जाता था। तो इसमें जो चीजें थी वो था 22 से पढ़ूंगी। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू उत्तम से उत्तम सुगंध द्रव्य ले, अर्थात पवित्र स्थान के शेकेल के अनुसार 500 शेकेल अपने अपने आप निकला हुआ गंधरस। तो पहला क्या डालता था जैतून के तेल में, गंधरस, और उसका आधा अर्थात 250 शेकेल सुगंधित दालचीनी, और दूसरा क्या डाला जाता था, दालचीनी, और 250 शेकेल सुगंधित अगर, अगर डाला जाता था तीसरा, और 500 शेकेल तज और हीन, है ना, तज और हीन। इस प्रकार से 5 चीजें मिलाकर के जैतून का तेल लेकर और एक हीन 100 शेकेल तज, तज कोई द्रव्य पदार्थ, कोई पदार्थ था है ना, सुगंधित पदार्थ रहा होगा ये, और एक हीन जैतून का तेल, मतलब जैतून के तेल में इन 4 चीजों को मिला करके तुम क्या करो, इसे तेल सुगंधित नहीं, अर्थात जैतून का तेल लेकर उनमें अभिषेक का पवित्र तेल अर्थात गंधी की रीति से तैयार किया हुआ सुगंधित तेल बनवाना, ये अभिषेक का पवित्र तेल ठहरे। इस प्रकार से मूसा या जो यहूदी लोग थे या इसराइली लोग थे वो अभिषेक का तेल बनाते थे, ठीक है, जिसका अभिषेक किया जाना है। और उस व्यक्ति के यह तेल इस बात का, और उसके सिर पे वो तेल उढ़ेला जाता था, यह तेल इस बात का प्रतीक चिन्ह था या प्रतीक था कि जिस व्यक्ति को परमेश्वर की सेवा के लिए पवित्र ठहरा कर, है ना, पवित्र ठहरा कर अलग किया गया है, पूरी भीड़ से, पूरे लोगों से, इसराइलियों से अलग किया गया है। इस प्रकार अभिषेक के बाद उसे अधिकार मिल जाता था। जब उसका अभिषेक किया जाता था उसके सिर पे ये जैतून 4 चीजों को और मिला करके जो जैतून का पवित्र तेल बनाया जाता था, और ये तेल जब उसके सिर पे उढ़ेला जाता था तो वो क्या हो जाता था, पवित्र हो जाता था, और वो पूरे इसराइलियों से अलग हो जाता था, और उसको कुछ अधिकार मिल जाते थे, और वह अपने पद के अनुसार अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्व को निभाया करता था, है ना, और निभाकर जो भी उसको उत्तरदायित्व मिलते थे, जो भी उसको परमेश्वर के द्वारा आज्ञा दी जाती थी इसराइलियों को बताने के लिए, समझाने के लिए, और इसराइलियों को उन आज्ञाओं को मनवाने के लिए, तो ये व्यक्ति जो था जिसका अभिषेक होता था वो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त व्यक्ति था और पवित्र था, और दूसरे इसराइलियों से उसे अलग किया हो जाता था वो। और जब हम ये देखते हैं कि निर्गमन 29 के साथ में कि हारून को भी परमेश्वर ने चुना, और मूसा को ये बोला कि अपने भाई हारून का अभिषेक कर, जैतून के तेल को उसके सिर पर डालकर उसको पवित्र कर, है ना, और जब सिर पर तेल उंडेला जाता था तो उसमें पवित्र आत्मा उतर जाता था, ठीक है ना, परमेश्वर की आत्मा, यीशु मसीह त्रिएक परमेश्वर है ना, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, तो पवित्र आत्मा उतर जाता था,
वह तेल परमेश्वर के सामर्थ्य से परिपूर्ण हो जाता था। और वो तेल कैसा हो जाता, फिर वो नॉर्मल तेल नहीं था, सामान्य तेल नहीं रहता था वो, फिर वो क्या था, परमेश्वर की उसमें सामर्थ प्रकट होती थी, सामर्थ आ जाती थी। तब वह व्यक्ति स्वयं के अनुसार ना चलकर पवित्र आत्मा के द्वारा चलता था एवं परमेश्वर के द्वारा आदेशित कार्यों को करता था। इतनी अच्छी बात है बहनों भाइयों कि जिस व्यक्ति का अभिषेक किया गया है जैतून के तेल से, जो जिस पे पवित्र आत्मा की सामर्थ उतरी उस तेल पर, अब वो व्यक्ति पवित्र आत्मा की सहायता से, पवित्र आत्मा की सामर्थ से जो कार्य परमेश्वर के द्वारा दिए जाते थे, आदेशित किए जाते थे, उन कार्यों को वो करता था। अब ये तो पहली विधि हो गई तेल के द्वारा। दूसरी विधि है अभिषेक की, वो है फूंक के द्वारा, फूंक के द्वारा अभिषेक, है ना। तो यहाँ पर पहली जो विधि थी तेल के द्वारा, इसमें मैं आपको थोड़ा सा कुछ और हटके कुछ बताना चाहूंगी कि जब परमेश्वर, जब इसराइलियों ने परमेश्वर पिता को अपना राजा मानने से इनकार कर दिया और वो स्वयं राजा चुन करके चुनना चाहते थे, है ना, अपना, तो परमेश्वर ने शमूएल से बताया, उन्होंने पूरे इसराइलियों ने कि हम शाऊल को अपना राजा चुनना चाहते हैं। तो परमेश्वर ने पिता कहा कि ठीक है चुनो, कोई दिक्कत नहीं है। और शाऊल का अभिषेक शमूएल के द्वारा हुआ, ये मिलता है हमको पहला शमूएल 10, है ना। तब शमूएल ने कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला और उसे चूम कर कहा, क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है, है ना। तो जो जो शाऊल था उसका अभिषेक परमेश्वर ने शमूएल के द्वारा करवाया तो, लेकिन जो कुप्पी थी, है ना, कुप्पी, तो कुप्पी किसने बनाई बहनों भाइयों, निश्चित रूप से कुप्पी धातु की बनी होगी, है ना, किसी भी धातु की कुप्पी बनी होगी और उसको इसराइलियों ने ही बनाया होगा, यानी वह मनुष्य निर्मित थी, है ना। अब चूंकि यहाँ पे शाऊल को किसने चुना, इसराइलियों ने, है ना, और शमूएल को ये बात इसराइलियों ने बताई कि हम शाऊल को अपना राजा चुनना चाहते हैं, तो परमेश्वर पिता ने उनको उनकी इच्छा पे छोड़ दिया कि ठीक है बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो कुप्पी है बहनों भाइयों, मैं आपको ये अंतर बताना चाहती हूँ कि जो परमेश्वर की इच्छा अनुसार नहीं होता और जो परमेश्वर की इच्छा अनुसार होता है, तो इनमें क्या अंतर है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर पिता की, चूंकि क्योंकि परमेश्वर पिता भविष्य का, वर्तमान का और भूत तीनों का को बनाने हारा है, है ना। परमेश्वर पिता ने जब समय को बनाया तो परमेश्वर पिता ने सबसे पहले भविष्य बनाया, फिर वर्तमान बनाया, फिर भूतकाल बनाया। तो परमेश्वर पिता शाऊल का भविष्य जानता था, परंतु उसने इसराइलियों पे अपनी इच्छा नहीं थोपी, है ना। और जब इसराइलियों ने कहा कि हमको शाऊल चाहिए राजा के रूप में, तो परमेश्वर पिता ने बोला ठीक है। और परमेश्वर पिता ने क्या आज्ञा दी शमूएल को कि तू क्या कर, एक कुप्पी, तब शमूएल ने कुप्पी तेल लेकर, एक कुप्पी, अब कुप्पी जो है वो मनुष्य ने बनाई, है ना, इसराइलियों ने बनाई, ठीक है ना। और कुप्पी के द्वारा जो तेल था, जो वो जो विधि थी जैतून के तेल में सब चीजें मिला करके जो पवित्र तेल बनाया जाता था, बनाया वैसे ही उन्होंने, पर कुप्पी में रख करके उसका अभिषेक हुआ। और अब यहाँ पे हम और एक चीज देखते हैं, पहला ही शमूएल, इसका अगर मैं 16वां अध्याय, पहला शमूएल 16वां अध्याय, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो दाऊद था, दाऊद किसके पसंद, मतलब दाऊद किसका प्रिय था, परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर का, है ना। तो यहोवा परमेश्वर ने दाऊद को चुना, ठीक है ना, जो ईशे के बेटे थे जितने, उन सबको उसने नकारा। अगर हम 16वां अध्याय पूरा पढ़े तो हम पढ़, हमको समझ में आएगा कि शमूएल जाता है और
परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ईशे के पास, और वो पूछता है कि तेरे बेटे कहाँ है, तो वो एक एक कर कहते हैं, परंतु परमेश्वर की जो योजना थी, जो इच्छा थी, वो किस पे थी? दाऊद, परमेश्वर दाऊद को पसंद करता था, है ना, दाऊद उसका प्रिय जन था। तो परमेश्वर ने क्या करा कि दाऊद को चुनने के चुना, जब शमूएल ने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, तब हम यहाँ पे देखते हैं अध्याय 16 और उसका 13वां पद, तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा, है ना। तो यहाँ पे किसका है? सींग, मेंढे का सींग होगा, बकरे का सींग होगा। मेंढा या बकरा इसराइलियों ने नहीं बनाया, ये किसकी रचना है? परमेश्वर की रचना है ना, परमेश्वर के द्वारा जीव जंतुओं को बनाया गया। तो अब अंतर आपको समझ में आ गया होगा कि जब शाऊल को, जो परमेश्वर की इच्छा अनुसार नहीं था, परमेश्वर ने फिर भी उसका विरोध नहीं किया इसराइलियों का, और कहा ठीक है, लेकिन वहां पे अभिषेक किसके द्वारा हुआ? मनुष्य निर्मित कुप्पी के द्वारा। ठीक है भाई, तुम्हारा राजा, तुम्हारा सामान, तुम्हारी सामग्री, ठीक है बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन यहां पर जब हम देखते हैं पहला शमूएल 16 का 13वां वचन, 13वां पद, कि यहाँ पे शमूएल ने क्या किया, अपना तेल का सींग लेकर, तेल सींग में तेल भरा, और वो जो सींग था, हो सकता है वो मेढ़े का सींग हो सकता है वो बकरे का सींग हो। तो ये बकरा या मेढ़ा किसने बनाया? परमेश्वर पिता ने। तो वहां ये अंतर कि मनुष्य निर्मित और परमेश्वर के द्वारा निर्मित, है ना। जहां परमेश्वर की इच्छा थी, परमेश्वर ने दाऊद को पूरी, और फिर क्या लिखा है, बल पर, यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता गया, है ना। तो ये मैं और भी समझाऊंगी आपको अभी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो पवित्र तेल था, उसके द्वारा इन अभिषिक्त व्यक्तियों का, जिनको परमेश्वर चुनता था, उनका अभिषेक किया जाता था। ये पहली विधि थी। अब दूसरी विधि में हम देखते हैं फूक के द्वारा, है ना, फूक के द्वारा। तो हम ये इसमें पढ़ते हैं यूहन्ना 20:22, यूहन्ना की पत्री में हम देखते हैं यूहन्ना 20:22। यह कहकर उसने उन पर फूका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो, है ना, जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनको तुम रखो वे रखे गए हैं। तो यीशु मसीह ने अपने चेलों को फूक के द्वारा उनका अभिषेक किया, ठीक है। और यह कहकर उसने उन पर फूका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिया। इस अभिषेक के बाद ही चेले क्या बने? प्रेरित बने। फिर ये दो विधि हमने देखा। अब हम देखते हैं अभिषेक के प्रकार। तो पहला था राजकीय प्रकार। ये पुराने नियम में परमेश्वर ने हारून को याजक पद के लिए अभिषेक किया, और मूसा को अगवे के रूप में अभिषेक किया, है ना, यहोशू को अपनी प्रजा इसराइल का नेतृत्व करने हेतु चुना। इसी प्रकार मूसा, परमेश्वर ने मूसा को भी एक अगुवे तथा अपने प्रतिनिधि के रूप में चुना। तो ये क्या था? याजकीय प्रकार था, है ना, याजकीय प्रकार में याजक परमेश्वर के द्वारा इन लोगों को चुना गया, अगुवे के रूप में भी चुना गया और अपनी प्रजा इसराइल पर का नेतृत्व करने के लिए भी चुना। फिर दूसरा था, फिर है राजकीय प्रकार। पहला शमूएल 16:13, इस पद में हमने देखा अभी कि किस प्रकार से शमूएल ने दाऊद को, जो परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ था, उस पे उसके सिर पर तेल, पवित्र तेल उंडेल कर
यहोवा की ओर से अभिषेक किया और उन्हें कर, तब हम देखते हैं कि तब यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता गया, बल से, और परमेश्वर ने दाऊद को इसराइल पर राज करने हेतु राजा भी चुना और वो याजक भी था, है ना। और शाऊल के और दाऊद के अभिषेक में अंतर हमने पहले ही देखा है कि किस प्रकार से परमेश्वर की इच्छा शाऊल के लिए नहीं थी, फिर भी परमेश्वर ने इसराइलियों के इच्छा पे उनको छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पर और कुप्पी के द्वारा उसका अभिषेक हुआ, जो कुप्पी मनुष्य के द्वारा बनाई हुई थी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि शमूएल ने दाऊद का, चूंकि वो परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ था, तो मेढ़े के सींग के द्वारा या बकरे के सींग के द्वारा, जो परमेश्वर के द्वारा बनाई हुई वस्तु थी या चीज थी, उसके द्वारा परमेश्वर ने दाऊद का अभिषेक करवाया। तो फिर हम देखते हैं प्रेरित, जो नए नियम में चेलों का अभिषेक यीशु मसीह के द्वारा किया गया, तब वे प्रेरित बने एवं उनके द्वारा सुसमाचार प्रचार, आत्माओं को यीशु के क्रूस की मृत्यु के सुसमाचार एवं चंगाई पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा दी गई। जब चेलों को यीशु मसीह ने फूंक के द्वारा अभिषेक किया, और जब चेलों को, आज पिंतेकोस्त का दिन है, आज हमने पिंतेकोस्त का दिन हम मना रहे हैं, है ना, सभी चर्चेस में पिंतेकोस्त का दिन मनाया जाता है। और ये इस बार इस दिन, जैसे यीशु मसीह ने कहा था कि मैं अपने पिता के यहाँ जा रहा हूँ और मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, है ना, तो ये जो सहायक है बहनों भाई, पवित्र आत्मा, तो ये पवित्र आत्मा पुराने नियम में भी हम देखते हैं। परंतु पुराने नियम में क्या था कि पवित्र आत्मा आता था, अपना काम करता था और वो वापस चला जाता था। लेकिन नए नियम में हम यहाँ पे ये देखते हैं कि पवित्र आत्मा अब चूंकि यीशु मसीह हमारे साथ नहीं है, तो उसने हमें क्या दिया, एक सहायक, है ना, एक मित्र, वो किसके क्या है, पवित्र आत्मा है। तो पवित्र आत्मा जब पिंतेकोस्त के दिन हम प्रेरितों के काम और उसका दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं कि पिंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा चेलों 120 जो लोग थे, जो एक कोठरी में बैठ के प्रार्थना कर रहे थे, और वो जानते थे कि उन्हें प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा को वो भेजेंगे और जो उन पे प्रकट होगा, तो वो उसकी बाट जो रहे थे, और पिंतेकोस्त के दिन उनको पवित्र आत्मा का वरदान मिला था, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वयं भी चुना हुआ सेवक है। मत्ती 12:18 में देखते हैं, और हम ये भी देखते हैं प्रेरितों के काम 10:38 में, पत्रस ने अपने उपदेश में यीशु मसीह को परमेश्वर कहा, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, यह गवाही दी है। किसने गवाही दी है, पत्रस ने। क्या गवाही दी है, कि यीशु मसीह को परमेश्वर पिता ने पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया है, यह गवाही पत्रस ने दी। यीशु मसीह का भी अभिषेक परमेश्वर पिता के द्वारा किया गया। और जब हम देखते हैं कि अभिषेक के जो वरदान है, वो पत्रस को स्वर्ग राज की कुंजियां मिली, है ना, मत्ती 16:19 में हम देखते हैं। और दूसरा जो हम देखते हैं कि पिंतेकोस्त के दिन जो चेले थे वो क्या हो गए, सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरे। तो मैं पढ़ना चाहूंगी दूसरा प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय, इसमें लिखा है पहला पद, जब पिंतेकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। वे सब मतलब पूरे चेले, है ना, पूरे जो चेले थे यीशु मसीह के, 120 लोग इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वह बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हरेक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, है ना। तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इन चेलों को कब मिली, पिंतेकोस्त के दिन। इनका अभिषेक
यीशु मसीह के द्वारा, फूक के द्वारा, है ना, पवित्र आत्मा लो ऐसा करके फूका, तो उस समय उनका अभिषेक यीशु मसीह ने किया। और यीशु मसीह का अभिषेक किसने किया? परमेश्वर पिता ने। ये गवाही किसने दी है? पत्रस ने। इसको हम देखेंगे प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय और 18वां पद, सॉरी 38वां पद। यहां पे इस प्रकार से लिखा है प्रेरितों के काम 10:38, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। ये पत्रस की गवाही है कि परमेश्वर पिता ने यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, पवित्र आत्मा से और अपनी सामर्थ्य से अभिषेक किया। तो इसके द्वारा क्या हुआ कि जब ये गवाही पत्रस के द्वारा यीशु मसीह की गवाही सारे लोगों को दी गई, और पिंतेकोस्त के दिन जब 120 लोगों पे पवित्र आत्मा उतरा, तो वो जो जितने भी लोग थे जो पिंतेकोस्त का पर्व मनाने आए थे, है ना, और हम लय व्यवस्था में देखते हैं कि जो पिंतेकोस्त का पर्व है वो 50वें दिन मनाए जाना निश्चित था यहूदी परंपरा के अनुसार। और लय व्यवस्था उसका अगर हम देखें तो 23:15-21 में हम पढ़ते हैं, जब तब हम इस बात को समझते हैं कि पिंतेकोस्त का दिन मनाने के लिए वो लोग इकट्ठे हुए थे, और वो लोग यहूदी लोग जो अन्य अन्य प्रांतों में रहते थे, देशों में रहते थे। कौन कौन से देशों में रहते थे वो? हम जो जब ये 120 लोग अन्य अन्य भाषा बोल रहे थे, तो इन सब लोगों को जो ये 13 जो देश या क्षेत्र के जो जहां से ये यहूदी लोग आए थे, जो उनकी भाषा थी वहां उस 13 प्रांत में, तो वो क्या क्या उनको सुनाई पड़ रहा था कि ये तो हमारी ही भाषा में बात कर रहे हैं, है ना। हम प्रेरितों के काम 2:9 से पढ़ूंगी मैं। हम जो पारदी और मैदी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कंपूदिया और पुंतुस और आसिया और फ्रूगिया और पंफूलिया और मिश्र और लीबिया देश जो कुरेन के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी, है ना, अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं, ठीक है ना। तो जब इन 120 लोगों पे पवित्र आत्मा की सामर्थ उतरी, और ये जब अन्य अन्य भाषा बोल रहे थे, तो अन्य अन्य भाषा का भी वरदान इनको मिला, और जब पत्रस ने, है ना, पत्रस ने इन सब लोगों को जितने भी जो भी जहां से भी आए थे, जो भी मैंने आपको क्षेत्रों के नाम पढ़ के सुनाए, तो उन सबको क्या लग रहा था कि ये तो हमारी भाषा में बात कर रहे हैं। और पत्रस को भी क्या मिला था? स्वर्ग राज की कुंजी, है ना। यीशु मसीह ने क्या बोला था? मत्ती 16:19 में, मैं तुझे स्वर्ग राज की कुंजी दूंगा, कुंजियां दूंगा, है ना। और उसके बाद में जब पिंतेकोस्त के दिन इन चेलों पे पवित्र आत्मा की सामर्थ आई, तो पत्रस ने पूरे लोगों को, जो भीड़ इकट्ठा थी, जो खड़ी थी भीड़, उनको जब वो उपदेश दे रहा था, तो वो गवाही किस बात की दे रहा था? यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु की गवाही दे रहा था कि किस प्रकार से एक निर्दोष, निष्कलंक, निष्पाप व्यक्ति को दोषी ठहरा करके तुम सब ने, है ना, सबकी तरफ इशारा करके वो बात कर रहा होगा कि तुम सब ने क्या करा, उसको क्रूस की मृत्यु गई। और वो जो वचन बोल रहा था वो इतने मार्मिक थे बहनों भाइयों कि पूरे किस प्रकार से यीशु मसीह के सिर पे कांटों का ताज रखा, जिससे उसका चेहरा पूरा लहू लुहान था और वो पहचान में नहीं आ रहा था,
और किस प्रकार से उसके हाथों और पैरों में कीड़े ठोके गए और किस प्रकार से उसके उसको बेइज्जत किया, उसके कपड़े उतारे गए और किस प्रकार से उसके मुंह पे थप्पड़ मारा, उसके मुंह पे थूका, है ना, उसकी बेइज्जती की। तो ये जो मार्मिक वचन कि यीशु के क्रूस की मृत्यु की गवाही जब पतरस दे रहा था, तो जितने लोग खड़े थे जो उस बात को सुन रहे थे, उसकी गवाही को सुन रहे थे, उन मार्मिक वचनों को सुन रहे थे, तब क्या हुआ, उनके हृदय छिद गए, बिद गए। क्यों? क्योंकि उनके वो उन्होंने बाहर बाहर से सुना था, है ना, वो तो बाहर के लोग थे, है ना। अभी हमने इतने सारे देशों के नाम पढ़े, है ना, जहां जहां जिस जिन क्षेत्रों से वो आए थे, और उन्होंने तो सुना था कि यीशु नासरी को किस प्रकार से क्रूस की मृत्यु हुई। लेकिन जब वास्तविकता पतरस ने बताई तो उनके हृदय घायल हो गए, है ना, छिद गए, और उनको पश्चाताप हुआ और उनको वो अपने आपे में आए और वो कहना चाहिए कि वो उनको सही बात पता चली, ठीक है ना, कि वो तो यीशु तो निर्दोष था, निष्कलंक था, निष्पाप था, लेकिन उसने सबके पापों को अपने ऊपर लिया, है ना, और अब कांटों का मुकुट पहना, किस प्रकार से रोमी सरकार ने उसके साथ व्यवहार किया, सिपाहियों ने व्यवहार किया, और किस प्रकार से उस भीड़ ने, यहूदियों की भीड़ ने, जिसमें अशास्त्री थे, फरीसी थे, सदुकी थे, है ना, याजक थे, उन सब ने किस प्रकार से उसके साथ व्यवहार किया और उसको क्रूस की मृत्यु सहनी, क्रूस पे लटकाया, है ना। तो ये मार्मिक वचन के द्वारा उनके हृदय छिद गए, जितने लोग इन पतरस के इस गवाही को सुन रहे थे। तब उन्होंने प्रेरितों के काम 2:37, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें, है ना। जब वो अपने आपे में आए, बहनों भाइयों, जब वो अपने जब उनको सही बात पता चली कि पतरस की अगुवाई कौन कर रहा था, पवित्र आत्मा पिता, तो जब वो पवित्र आत्मा से भर करके पतरस ने यीशु मसीह के क्रूस की गवाही, किस प्रकार से उसको मारा गया, किस प्रकार से उसके साथ में व्यवहार किया, ये सुनकर के जो भीड़ थी उन सबके हृदय छिद गए, वो उनके मन ग्लानि से भर गए, आत्मग्लानि से भर गए कि अरे हमने क्या करा, हमसे क्या हो गया। तब उन्होंने क्या बोला, हे भाइयों, हम क्या करें, बहुत घबरा गए वो, आत्मग्लानि से भर गए और उन्होंने क्या बोला, हे भाइयों, हम क्या करें। तब पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ, सबसे पहली बात, और तुम में से हरेक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, और तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, है ना। सबसे पहले क्या करना है, तुमको अपना मन फिराना है, मन फिराओ, अपने पापों की क्षमा यीशु मसीह के सामने मानो, है ना, जो भी पाप तुमने किए हैं वो सारे पापों का अंगीकार प्रभु यीशु मसीह के सामने करो प्रार्थना के द्वारा, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से पाप और अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, है ना, डूब का बपतिस्मा लो, और तब तुम पवित्र आत्मा का दान, तब तुम्हें पवित्र आत्मा मिलेगा, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा, है ना। फिर इसका 41 देखते हम, 2:41, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3,000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। बताइए, 3,000 लोग इन प्रेरितों के द्वारा पतरस और उनके उसके जो और भी जो साथ में जो थे लोग, चेले जो थे यीशु मसीह के, उनमें मिल गए और उन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अभिषेक जब हुआ तब इनके इन पे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आई, यीशु मसीह के द्वारा अभिषेक किया गया अपने चेलों का, और जब उनको पिंतकुस्त के दिन उन
पवित्र आत्मा का वरदान मिला, तब उन्होंने 3,000 लोगों को वो उनमें मिल गए, मतलब यीशु मसीह को उन्होंने माना, अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया। और निश्चित रूप से ये पहली कलीसिया रही होगी जब यीशु मसीह ने कहा था ना, मैं पतरस के लिए कि मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, है ना, तो और पतरस मतलब एक छोटा पत्थर चट्टान, तो तुझ पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से इन चेलों का अभिषेक हुआ यीशु मसीह के द्वारा, और उन्होंने कलीसिया का निर्माण किया। और भी बहुत सारे, जब पतरस को और भी बहुत सारे वरदान पवित्र आत्मा के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त हुए, पवित्र आत्मा के द्वारा प्राप्त हुए। पतरस को चंगाई का वरदान मिला और आत्माओं को बचाने का वरदान मिला। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को क्या बोला, चट्टान कहकर संबोधित किया, है ना। हम देखते हैं मत्ती 16:18 में कि मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो ये पहली कलीसिया 3,000 लोगों की पतरस के द्वारा निश्चित रूप से बनाई गई है। और स्वयं प्रभु यीशु मसीह का जो अभिषेक है वो परमेश्वर पिता ने किया। हमने अभी देखा प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय और 38वां पद कि किस प्रकार से पतरस ने गवाही दी कि परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह का पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से अभिषेक किया। अच्छा, यीशु का नाम का अर्थ है बचाने वाला, है ना। ख्रीस्ट और मसीह दोनों का अर्थ है अभिषिक्त, कि अभिषिक्त किया हुआ या ऐसा व्यक्ति जिसे परमेश्वर ने सेवा के लिए अभिषिक्त किया है, है ना, परमेश्वर की सेवा, अपनी सेवा के लिए अभिषिक्त किया है। फिर यीशु मसीह को परमेश्वर पिता ने स्वर्गीय वरदानों से भरा, जो हम पूरा सुसमाचार में पढ़ते हैं। उसे बीमारों को चंगा करने का वरदान मिला, कोढ़ियों को शुद्ध किया यीशु मसीह ने, मृतकों को जिलाया, अंधों को आंखें दी और दुष्ट आत्माओं को निकाला, और क्या करा, जो लंगड़े व्यक्ति थे उसके पैरों को ठीक किया, है ना, झोले के मारे व्यक्ति को ठीक किया। तो ये पूरा वरदान जो थे परमेश्वर के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को दिए गए। परंतु इन सबसे बढ़कर यीशु मसीह ने क्या करा, हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर क्रूस काठ की मृत्यु, घोर पीड़ादायक मृत्यु, सही, घोर पीड़ादायक, है ना, हम कल्पना भी नहीं कर सकते बहनों भाइयों उस मृत्यु की, उस पीड़ा की, जो उसके सिवाय इस पृथ्वी पर ना तो उससे पहले ना उसके बाद आज तक किसी ने इस प्रकार से मृत्यु पर जय प्राप्त की, है ना। जो केवल मृत्यु पर जयवंत कौन हुआ है, केवल हमारा प्रभु यीशु मसीह, है ना, हम ये पढ़ते हैं पवित्र शास्त्र में। इसीलिए तो उसे क्या कहा जाता है, मृत्युंजय कहा जाता है। और वो पहलौटा भी है जिसने मृत्यु पर जो जयवंत हुआ है, उसे पिता ने स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार दिया है। आज अधोलोक की कुंजी यीशु मसीह के पास है, संसार या जगत का न्याय करने का अधिकार पिता ने उसे दिया है, है ना। तो हमने आज जब हमें यीशु मसीह का प्रचार या सुसमाचार का कार्य कलीसिया के द्वारा सौंपा जाता है, तो हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से बड़ी खराई के साथ परमेश्वर के जीवित वचनों का प्रचार करना है तथा एक दूसरे के साथ साझा भी करना है। यही हमारा परमेश्वर के द्वारा अभिषेक है, और इस अभिषेक को हमें खोना नहीं है। और दूसरी बात बहनों भाइयों, ये है कि यदि हम परमेश्वर के कार्यों को नहीं करते हैं, तो ये जैसे सुसमाचार प्रचार करना या सेवा जो भावना है, या नम्रता दीनता अपने मन में नहीं रखते, तो ये अभिषेक हमसे ले भी लिया जा सकता है, है ना। आज हमारा भी अभिषेक हो चुका है। हम देखते हैं दूसरा कुरंथियों 1 अध्याय उसका 21 और 22, पहला कुरंथी 1 अध्याय, पहला कुरंथी का 1 अध्याय और उसका 21 और 22वां पद हम अगर देखते हैं,
सॉरी दूसरा कुरंथियों उसका पहला अध्याय और उसका 20 और 21 पद पढ़ना चाहो, 21 और 22 दूसरा कुरंथियों उसका पहला अध्याय 21 और 22 पद। और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमारा अभिषेक किया वही परमेश्वर है, जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दे दिया है। मतलब हमारा अभिषेक हो चुका है ना, प्रभु यीशु मसीह ने हमारा अभिषेक करके, परमेश्वर पिता ने हमारा अभिषेक करके बयाने में हमें आत्मा को हमारे मनों में दिया, पवित्र आत्मा को हमारे मनों में दिया है। तो ये कितनी अच्छी बात है कि हमारा अभिषेक एडवांस में ही प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हो चुका है। तो इस अभिषेक को हमको खोना नहीं है बहनों भाइयों, और इस अभिषेक को हमें थामे रखना है। सुसमाचार प्रचार जब हम करते हैं और जब भी हमें अवसर मिलता है तो हमें सुसमाचार प्रचार में, यीशु मसीह के सुसमाचार प्रचार में लजाना नहीं है और पीछे नहीं हटना है। और इस प्रकार से हम क्या है, अपना अभिषेक हमें निरंतर बनाए रखना है ना। जब हमारे पास पवित्र आत्मा है तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा के चलाए जब हम चलते हैं तो हम परमेश्वर पिता की उन आज्ञाओं को, उन नियमों को या उन उसके बताए हुए मार्गों पर चलते हैं, है ना, यीशु मसीह के बताए मार्गों पर चलते हैं। अगर हम पवित्र आत्मा के द्वारा चलते हैं तब, है ना, और हमारा अभिषेक भी हो चुका है तो हमें ये अभिषेक खोना नहीं है, है ना। मसीह जीवन की 7 बातें हैं जो हमें मिलता है इफिसियों 5:12-21 के अनुसार। इसमें पहला है बुद्धिमानों के समान चलो, है ना। जैसा भी आपको मैंने बताया कि हमारा अभिषेक हो चुका है, तो जब हमारा अभिषेक हो चुका है तो अब हमें पीछे नहीं हटना है, है ना। हमें किसके समान बनना है, बुद्धिमानों के समान चलो, परमेश्वर पिता से, पवित्र आत्मा से हमें सामर्थ्य लेके बुद्धिमानी से परमेश्वर के वचन को, सुसमाचार को, यीशु मसीह के सुसमाचार को पवित्र आत्मा की सहायता से बुद्धि मांग करके सुसमाचार प्रचार करना है। और दूसरा है अवसर को बहुमूल्य समझो। जो भी अवसर हमको मिलता है प्रार्थना करने का, सुसमाचार सुनाने का, दूसरों की सेवा करने का, है ना, भलाई करने का, तो इन अवसरों को हमको खोना नहीं है बहनों भाइयों, ठीक है ना। फिर है परमेश्वर की इच्छा को समझो। तो जो परमेश्वर की, जब हम वचन पढ़ते हैं तो हम समझ जाते हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, क्योंकि हमारे साथ पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा ही हमें बताता है कि परमेश्वर की क्या इच्छा है, है ना। फिर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। तो जब हमारा अभिषेक हो गया है तो हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए हैं, तो हम इसे खोना नहीं है, ना अपना अभिषेक खोना है, ना पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता खोना है। देखिए बहनों भाइयों, जब पवित्र आत्मा हमारे पास है, हम में आती है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हम भरते हैं, तो सबको पता चलता है कि हमारे पास पवित्र आत्मा है, क्योंकि हम नहीं बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है, हमारे मुख से पवित्र आत्मा बोल रहा है। और जब वो जाता है तो हमको भी पता नहीं चलता है कि हमारे पास से पवित्र आत्मा कब चले गया, है ना। तो हमें पवित्र आत्मा को उदास नहीं करना है, है ना, उसको निराश नहीं करना, क्योंकि वो तो हमारा कितना अच्छा सहायक है, हमारा मित्र है, ये हमें यीशु मसीह ने दिया है, तो हमें इसे थामे रखना है। फिर स्तुति का जीवन बिताओ, है ना, हमें परमेश्वर पिता की, त्रिएक परमेश्वर की स्तुति नित्य प्रति पल करना है। यहोशू को क्या बोला था परमेश्वर पिता ने, यह व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्र से ना उतरे, है ना, लेटते उठते बैठते सोते जागते तुझे किसको स्मरण रखना है, परमेश्वर पिता को। तो हमें भी जब हमारा अभिषेक हो चुका है, हमें पवित्र आत्मा का मिल चुका है पवित्र आत्मा, तो हमें भी परमेश्वर पिता की, त्रिएक परमेश्वर की स्तुति करना है। फिर धन्यवादी जीवन बिताना है, है ना, हर बात में हमारे धन्यवाद, निवेदन, प्रार्थना किसके किसके लिए होने चाहिए, परमेश्वर पिता के, किसके लिए होने चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए, किसके लिए होने चाहिए, पवित्र आत्मा पिता के लिए होने चाहिए, है ना। तो हमारा जो जीवन है वो धन्यवाद, हर बात में धन्यवाद दीजिए, भले ही हम गरीबी में है,
बीमारी में है, लाचारी में है ना, परंतु हमारे मुख से क्या निकलना चाहिए? धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की महिमा, है ना, ये परमेश्वर को अच्छा लगता है। और फिर देखिए आप, जब पवित्र आत्मा हमारे साथ है तो ना हमारे पास बीमारी रहेगी, ना गरीबी रहेगी, ना लाचारी रहेगी, है ना, क्योंकि हम परमेश्वर को धन्यवाद रूपी बलिदान नित्य प्रति चढ़ा रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं, अपने मन को समर्पित कर रहे हैं, धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ा रहे हैं, ये परमेश्वर को भाता है। एक दूसरे के अधीन रहना है हमें, है ना, हमें किसी की बुराई नहीं करना है। और जब हमारे पास पवित्र आत्मा है, पिता है, पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, मित्र है, तो हमें उसके अधीनता में एक दूसरे की सहायता, एक दूसरे की मदद करना है, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने किया था, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने 3.5 साल सबकी सेवा करी, सेवक के रूप में, तो वो उसका अनुसरण हमको करना है, तो हमें भी एक दूसरे की सहायता मदद करना है। और हमें अपना अभिषेक नहीं खोना है, है ना, हमें हमारे पास हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ मिली है, तो उस सामर्थ के द्वारा जैसा पवित्र आत्मा हमें गाइड करता है वैसा ही हमको काम करना है, क्योंकि जब पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे पास है तो निश्चित रूप से हम वो अच्छे काम करेंगे जो परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को अच्छे लगते हैं, उसे भाते हैं, है ना। अब हम सब जानते हैं कि अंत के दिन चल रहे हैं और ऐसे में प्रभु यीशु मसीह का आना कभी भी हो सकता है, तो हम सब आत्मा में, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आत्मा में एक होकर के प्रार्थना में लौलीन रहे, है ना, अधिक से अधिक एक दूसरे को हम प्रार्थना में उठाएं और एक दूसरे के लिए हम एक दूसरे के लिए हम आनंद का विषय हो, खुशी का विषय हो, है ना। और आज हमने ये सीखा कि हमारा भी अभिषेक यीशु मसीह के द्वारा हो चुका है, तो जब हमारा अभिषेक हो चुका है बहनों भाइयों, तो अब हमें, है ना, यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सामर्थ से नित्य प्रतिपल प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना में लौलीन रहना है, वचनों को पढ़ना है, वचनों की सेवकाई, वचन सुसमाचार प्रचार की का काम करना है ना, और एक दूसरे की सहायता मदद करना है, यही तो परमेश्वर हमसे चाहता है, ठीक है ना। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने हारे मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, स्वर्ग तेरा सिंहासन है पिता, पृथ्वी तेरी पांव की चौकी है, धन्यवाद पिता धन्यवाद धन्यवाद, तूने हम सबका अभिषेक किया है पिता, धन्यवाद धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, तूने हमारे सहायक के रूप में प्यारे यीशु पवित्र आत्मा को दिया है, धन्यवाद पिता धन्यवाद प्यारे यीशु, पवित्र आत्मा जो हमारी सहायता मदद करता है वचनों को पढ़ने के लिए, वचनों को समझने के लिए, वचनों को बांटने के लिए, हाँ पिता जिसके लिए तेरा लाख लाख धन्यवाद, धन्यवाद पिता धन्यवाद त्रिएक परमेश्वर। विनती और प्रार्थना है पिता, हे प्यारे यीशु, इस समय तू हम में से हर एक का रक्षक और रखवाला निगेबान है, विनती और प्रार्थना है प्रभु जी कि जो भी पासवान है, प्रचारक है, तेरे दास और दासियां है पिता, जो बहुत विषम परिस्थिति में तेरा सुसमाचार प्रचार सुना रहे हैं, हाँ पिता उन सब पे तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ उढ़ेल, हाँ पिता परमेश्वर हे प्यारे यीशु, और उन्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर कर पिता वो तेरा सुसमाचार प्रचार को सुनाने पाए, हाँ पिता परमेश्वर। विनती और प्रार्थना है पिता मणिपुर के उन विश्वासी भाई बहनों के संग साथ हो जो आज बेघरवार है, जो निराश है, दुखी है, हाँ पिता उनमें से उन परिवारों से बहुत से लोग की हत्या की गई है पिता, विनती और प्रार्थना है प्रभु जी उन सबको आत्मिक रूप से अपनी असीम शांति से भर पिता, हाँ प्रभु जी हे प्यारे यीशु, उन पे पिता परमेश्वर अपनी असीम आशीष आकाश के झरोकों को खोल दे पिता उन पर, और अपनी असीम आशीष से उन सबको भर पिता, तुझसे यही विनती और प्रार्थना है। विनती और प्रार्थना प्रभु जी जो लोग तेरे लोगों को सता रहे हैं पिता, विनती और प्रार्थना है प्रभु जी उन सबके मनों को बदल मेरे खुदा, उनकी सोच उनके व्यवहारों को बदल पिता, हाँ प्रभु जी हे प्यारे यीशु, हर बात मिलके भलाई उत्पन्न हो प्रभु जी, तुझसे यही विनती और प्रार्थना है, जबकि तेरे बेटे का आना बहुत निकट है पिता, हम सब इस बात को जानते हैं, हम और अधिक एक दूसरे को प्रार्थना में उठाएं, एक और एक दूसरे को लौ लगा करके तेरे बेटे के आने की राह देखें पिता,
हाँ प्रभु जी, तुझसे यही विनती और प्रार्थना, हर एक को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दे। आज पिंतेकोस्त के दिन तूने पिता 3,000 लोग तेरे तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरे थे पिता, फिर तूने पूरे संसार में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दी है, इसलिए तेरा लाख लाख धन्यवाद। हर एक को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दे, हर एक प्रचारक प्रचारिकाओं को, पासवानों को, तेरे दास दासियों को पिता, ताकि पिता सब तेरे सुसमाचार प्रचार के द्वारा हर एक घुटना हर एक जीव तेरे स्वर्गीय राज में लाने पाए, जो तू चाहता है पिता। हाँ प्रभु जी, मैं पास्टर रेवरेंट अनुपम डेविड जी के लिए, भाभी शबनम डेविड जी के लिए, उनके परिवार के लिए तुझसे विनती और प्रार्थना करती हूँ। भाई पास्टर रेवरेंट कपिल शर्मा जी के लिए प्रार्थना करती हूँ। हाँ, ग्लैड ट्रेडिंग मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करती हूँ। अंबिका आंटी के लिए प्रार्थना करती हूँ। बेटी सरिता बर्वे के लिए प्रार्थना करती हूँ। बेटी सारा के लिए प्रार्थना करती हूँ। विनती और प्रार्थना प्रभु जी, इन सब के संग और साथ हो प्रभु जी। इन्हें पवित्र आत्मा की तूने सामर्थ्य से भरा है, इसकी तरह लाख लाख धन्यवाद 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 पिता, कि तूने इन सब को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दिए और ये लॉ लगा के पिता तेरा सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं पिता। हर एक को पिता चंगाई का वर जो वरदान तू इन्हें देना चाहता है पवित्र आत्मा पिता, इन्हें वरदानों से भर, ताकि बहुत सी आत्माएं प्रभु जी तेरे स्वर्गीय राज में आने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, हे प्यारे यीशु, हाँ पिता तूने हम सबको बीते हर एक दिन में भला चंगा रखा, इसके लिए तेरा लाख लाख धन्यवाद। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पुत्र, धन्यवाद पवित्र आत्मा पिता। आज और आने वाले हर एक दिन में भी इसी प्रकार से प्रभु जी तू हमें जय के उत्सव में लिए चल, और प्रभु जी हम सब आनंदित रहते हुए, स्वस्थ रहते हुए, तेरे बड़े अनुग्रह आशीष में प्रभु जी चलने पाए। तुझसे यही विनती और प्रार्थना है। हर एक पे तेरी नाम बनाम आशीष हो। जितने भी भाई बहन मौसमी बीमारियों से पीड़ित है या किसी गंभीर रोग से पीड़ित है पिता, हर एक पे तेरी आशीष होने पाए। हर एक पे तेरी चंगाई भरा हाथ, सामर्थ्य भरा हाथ रख दे पिता। सबको नाम बनाम चंगाई दे। मैं सीमा मालवी भाभी के लिए मांगती हूँ प्रभु जी, जिन्हें ब्लड कैंसर है, दया कर प्यारे यीशु उस भाभी को जो पिता परमेश्वर है प्यारे यीशु, सामर्थ्य भरा हाथ रख दे पिता उस बहन पे, ताकि उसकी जो बीमारी गंभीर बीमारी है पिता, तेरे लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु जी। अपना सामर्थ्य हाथ बढ़ा दे पिता उस बहन पे, ताकि वो भली चंगी हो करके एक बहुत बड़ी जीवित गवाही प्रभु जी उसके द्वारा होने पाए। हाँ पिता, सामर्थ्य ईश्वर यीशु मसीह तू ये सब कुछ कर सकता है, उस बहन के लिए कर। अक्षय प्रसाद भैया को, जितेंद्र सिंह को, और प्रभु जी जितने भी और हैं जिन्हें मैं नहीं जानती हूँ, उन सब भाई बहनों को भी पिता नाम बनाम चंगाई दे प्रभु जी। उनके बिछड़ों को उलट दे और उन्हें खड़ा कर दे पिता, ताकि वो प्रभु जी एक जीवित गवाही देने पाए कि तूने उन्हें चंगाई दी है। विनती और प्रार्थना प्रभु जी, घर परिवार के सभी के घर परिवारों के लिए मांगती हूँ, पासा अनुपम डेविड भाई के परिवार के लिए, और पिता परमेश्वर और भी जितने पासवान हैं उन सब के लिए भी मांगती हूँ पिता। इनके घर में पिता परमेश्वर किसी भी बात की कमी घटी मत होने देना। हाँ प्रभु जी, स्वर्ग के झरोखे खोल के प्रभु जी इन्हें आशीषित करना, और प्रभु जी इनकी जो मिनिस्ट्री है पिता, जो सेवकाई है, उस पर तेरी नाम बनाम आशीष हो। तुझसे यही विनती और प्रार्थना है। हाँ पिता परमेश्वर, विनती और प्रार्थना है प्यारे यीशु, तू हम में से हर एक का रक्षक और रखवाला निगेबान है। आने वाले दिनों की सारी प्रार्थना सभाओं को, फेसबुक लाइव की सारी मीटिंगों को प्रभु जी तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपती हूँ। जो भी रुकावटें हैं प्रभु जी, अपनी सामर्थ्य से सारी रुकावटों को दूर कर। हाँ पिता परमेश्वर, और हर एक सुनने वाले सुनाने वाले पे तेरी असीम आशीष हो। हाँ प्रभु जी, अपनी असीम आशीष और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हर एक पे भेज पिता। तुझसे यही विनती और प्रार्थना है। हाँ पिता परमेश्वर, तूने मेरी प्रार्थनाओं को सुना है, इसके लिए तेरा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यह छोटी सी विनती तेरे इकलौते बेटे, मेरे उद्धार के कर्ता, जीवन के दाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में होके मांगती हूँ। दया करके स्वर्गीय राज में छोटी सी दुआ ग्रहण कर। आमीन आमीन और आमीन। एक बार फिर से मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ कि आज परमेश्वर पिता ने सामर्थ्य दी, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उढ़ेली, और हमने आज सीखा कि अभिषेक है ना, किस अनॉइंटिंग किस प्रकार से हमारे साथ है, और किस हमें भी हमारा भी अभिषेक प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हो चुका है। तो परमेश्वर पिता को, प्रभु यीशु मसीह को, पवित्र आत्मा पिता को धन्यवाद देते हुए
मैं पास्टर रेवरेंट अनुपम डेविड जी को, उनकी पत्नी को और सारे सुनने वालों को धन्यवाद देती हूँ आप सबों को, और शुभ रात्रि कहती हूँ आप सबों को। जय मसीह की।